छतरपुर के गंगबाहा गांव में पिछले कुछ दिनों से उल्टी दस्त के कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आधा दर्जन ग्रामीण बीमार पड़ गए तो वहीं दो बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। छतरपुर के गंगवाहा गांव में उल्टी दस्त से कई ग्रामीण बीमार हो गए, जिसे देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, लेकिन मौके पर कोई डॉक्टर मौजूद न होने के कारण मरीजों की हालत और खराब होती जा रही है। तो वहीं बीते दिनों उल्टी दस्त से बीमार दो बच्चों की मौत हो गई। गाँव में बढ़ते मरीजों की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी टीम के साथ गंगवाहा पहुंची और मरीजों की हालत का जायजा लिया। वहीं डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि गांव में डॉक्टरों की टीम बीमार लोगों की निरंतर जांच कर रही है और गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। आज मुझे सुबह पता चला कि गंगवा गांव में कुछ लोग उल्टी दस्त से पीड़ित थे और यहां ये भी पता चला कि पिछले इतवार को यहां पे दो लोगों की एक परिवार में मृत्यु हुई। तो जैसे ही मुझे पता चला, आज मेरी टीएल थी तो टीएल के बाद मैं सीधे गंगवा आया और यहाँ पे लोगों से मैंने चर्चा की। यहाँ पे सरपंच जी हैं, सचिव महोदय हैं और गांव के सभी जागरूक लोग हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई और मैंने पता किया है कि उल्टी दस्त में उनका पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर का स्रोत है उसके बारे में पता किया और ये भी जाना कि उल्टी दस्त का मुख्य कारण था क्या। तो अभी तो जो प्रारंभिक जाँच में मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे जो गाँव के लोग सभी एक कुएँ का पानी उपयोग करते हैं तो शायद उससे, चूँकि आज चार केस भी निकले हैं, तो शायद उससे हो सकता है वो उसका पानी कॉन्टामिनेटेड हो, दूषित पानी हो। तो उस पानी के लिए हमने ग्रामवासियों को हम सलाह दे रहे हैं और कि इनको बताएंगे कि वो पानी अभी ना पिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।